आज हम बात करने वाले हैं मिनी मिलिशिया गेम के बारे में, वो गेम जिसे हमने बहुत खेला होगा दोस्तों के साथ अपने बचपन में, जिसे एक टाइम पे 35 लाख लोग रोज खेलते थे। बट ऐसा क्या हो गया कि आज की डेट में मिनी मिलिशिया गेम कोई खेलता ही नहीं है और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी डाउन आ चुकी है। जानते हैं मिनी मिलिशिया की कंप्लीट स्टोरी इस वीडियो में, एंड साथ ही आपको नए मिनी मिलिशिया गेम के बारे में भी बताऊंगा जो अभी डेवलपमेंट में है। सबसे पहले बात करते हैं गेम की शुरुआत की कि कैसे मिनी मिलिशिया गेम बना। तो इसे बनाया एप्सोनिक्स नाम की एक अमेरिकन गेम डेवलपमेंट कंपनी ने। अब पता नहीं कि एप्सोनिक्स ने इंसोमनिक का लोगो कॉपी किया है या फिर इंसोमनिक ने एप्सोनिक का। खैर, इंपॉर्टेंट बात यह कि इसे कुछ दोस्तों ने मिलकर स्टार्ट किया था जो गेम्स बनाने के लिए बहुत पैशनेट थे। बेसिकली वो सोते नहीं थे, बस गेम्स ही बनाते रहते थे, और इसीलिए उन्होंने कंपनी का नाम रखा एप्सोमनिक्स प्रोडक्शन, जो आया इंसोमनिया से। एंड इन्होंने काफी गेम्स बनाए थे, लाइक शायद आपको पता भी ना हो बट मिनी मिलिशिया डूडल आर्मी सीरीज का पार्ट है। चैट टाउन्स नाम के डेवलपर ने सबसे पहले डूडल आर्मी गेम बनाया था और 2010 की बिगनिंग में लॉन्च किया। इसके बाद इन्होंने जॉश नेफ नाम के बंदे की मदद ली जो इनका दोस्त ही था, एंड इन दोनों ने मिलकर बनाया डूडल आर्मी 2 मिनी मिलिशिया, जिसे अप्रैल 2011 में iOS के लिए रिलीज किया गया। उसके अलावा चैड एक अलग डेवलपर हंटर मेयर के साथ फ्लिप द बर्ड गेम पे भी वर्क कर रहे थे जो उसी साल आया। जब डूडल आर्मी 2 या मैं शॉर्ट में बोलूं तो मिनी मिलिशिया पे काम बढ़ने लग गया तो हंटर भी इस पे वर्क करने आ गए 2012 में, एंड 2014 तक हंटर एप्सोमनिक्स के फुल टाइम पार्टनर भी बन गए थे, जबकि जॉश ने काम छोड़ दिया और माउंटेन मशीन गेम्स के नाम से अपनी अलग कंपनी स्टार्ट करी। सो अब चैड एंड हंटर मिलकर गेम्स पे वर्क करते रहे और 2015 में इसे फाइनली एंड्रॉइड पे भी रिलीज किया गया। अब जब गेम पहली बार iOS पे रिलीज हुआ 2011 में, तब इसने कोई खास पॉपुलैरिटी गेन नहीं करी थी, बट 2015 में जब ये एंड्रॉइड पे लॉन्च हुआ तब ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया, एंड स्पेसिफिकली बोलूं तो इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया में। जुलाई 2016 तक 12.2 मिलियन लोग इसे खेल रहे थे मंथली, एंड इनमें से 71% प्लेयर्स इंडिया से ही थे, शायद आप भी होंगे इनमें से। इवन ये नंबर 1 एक्शन गेम बन गया था नेपाल में, एंड इसके अलावा फिलीपींस, जमैका, इंडोनेशिया, ब्राजील, सीरिया, हर जगह पॉपुलर हो रहा था। आपने भी शायद इस गेम को 2016 से लेके 2020 के पीरियड में बहुत खेला होगा, क्योंकि इसके अर्ली 2018 में 3.5 मिलियन प्लेयर्स एक दिन में खेलने आते थे, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। मुझे याद है कि 2018 में मैं और मेरे कॉलेज मेट्स क्लास में पीछे बैठ के खेलते थे, बस घर वाले ना देख रहे हैं वीडियो। अब 2018 में ना सिर्फ दो लोगों के लिए इतने पॉपुलर गेम को मैनेज करना मुश्किल हो रहा था, एंड हेयर एंटर्स मिनी क्लिप। ये कंपनी का नाम आपने शायद सुना होगा, 2001 में स्टार्ट हुई थी एंड इन्होंने 1000 से भी ज्यादा गेम्स बना रखे। पहले ये फ्लैश गेम्स बनाते थे जो कि हम इनकी वेबसाइट पे जाके खेल सकते थे। हमारे स्कूल में तो हम सभी को ये कहते थे यार miniclip.com पे जाके गेम्स खेलो, बहुत बढ़िया। स्केटिंग स्टैंड जैसे छोटे बट बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम्स थे, मजा आता था खेलने में। खैर, अब तो कंपनी पूरी तरह चेंज हो गई है एंड एक मोबाइल गेमिंग कंपनी बन गई है। 8-ball pool, कैरम पूल इनकी कुछ पॉपुलर गेम्स हैं जिनका नाम शायद आपने सुना होगा। एंड मैं बता दूं कि 2015 में Tencent ने miniclip का मेजॉरिटी स्टेक भी एक्वायर कर लिया था। ये Tencent ने ना वायरस की तरह हर गेमिंग कंपनी को टेक ओवर कर लिया। खैर, हम मिनी मिलिशिया की बात कर रहे थे तो miniclip ने इनको अप्रोच किया कि आपका काम हल्का कर देंगे, एंड उनके बीच कोई बिजनेस डील हुई जिसमें अब चैट और हंटर का काम बस एज अ कंसल्टेंट का रह गया था एंड बाकी सब काम miniclip कर रहा था। उसके बाद मिनी मिलिशिया का वर्जन 5 miniclip ने पब्लिश किया प्ले स्टोर पे, एंड उन्होंने डूडल आर्मी गेम को भी बंद कर दिया क्योंकि वो तो 2010 का था, सो बहुत ही आउटडेटेड हो गया था। ये पार्टनरशिप 2.5 साल तक चली, बट उसके बाद क्या हुआ वो मैं आगे बताऊंगा। बट पहले बात करते कि मिनी मिलिशिया पॉपुलर ही क्यों हुआ था। तो देखो, इसकी पॉपुलैरिटी का ना सिंपल सा आंसर है एडिक्टिव गेम प्ले एंड इजी कंट्रोल्स, मतलब बस दो जॉयस्टिक से आप पूरा गेम खेल पा रहे हो, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कि ये ऑफलाइन भी चल जाता है बिना इंटरनेट के, जिसमें आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हो ग्रुप में बैठ के। कोई स्टोरी वगैरह नहीं है, बस सिंपली गेम डाउनलोड किया, दोस्त का रूम ज्वाइन करके खेलना शुरू कर दिया। हाँ, सिंगल प्लेयर मोड में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मजा तो मल्टीप्लेयर में ही आता है जहाँ 4-5 दोस्त एक साथ बैठ के खेल रहे हो एंड उसको मारने भी चढ़ा रहे हो या कभी चलती क्लास में खाली भी दे रहे हो। इवन ये वन ऑफ द फर्स्ट मल्टीप्लेयर गेम था जिसने कैरेक्टर्स एंड वेपन्स को कस्टमाइज करने की एबिलिटी भी दी थी। बहुत तरह के एवेटार्स एंड आउटफिट्स थे एंड इवन अपने मन का वेपन भी चूज कर सकते थे। फिर ये गेम भी इतना लाइट वेट था कि पुराने मोबाइल फोन पे इजीली चल पा रहा था। बट अगर सब कुछ अच्छा चल रहा था तो प्रॉब्लम कहाँ हुई? तो देखो, प्रॉब्लम मिनी मिलिशिया की साइड से ज्यादा नहीं थी जितनी ओवरऑल मोबाइल गेमिंग को लेकर थी। 2018 ही वो साल था जब मोबाइल गेमिंग में एक सॉर्ट ऑफ रेवोल्यूशन आ गया था पबजी मोबाइल की रिलीज के बाद, एंड मिनी मिलिशिया के मैक्सिमम प्लेयर्स पबजी या फिर ऐसी सिमिलर बैटल रॉयल गेम्स पे स्विच कर गए, क्योंकि उस टाइम ये एक नया कॉन्सेप्ट था, हर कोई इन्हें खेल रहा था, फिर चाहे वो रियल लाइफ में हो या फिर यूट्यूब पे। मिनी मिलिशिया एक टाइम के बाद रिपीटेटिव भी हो जाता है एंड आप बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर पाओगे। बट ना, बैटल रॉयल गेम्स 3D थे, उनमें गेम प्ले बहुत डीप था एंड काफी इमर्सिव एक्सपीरियंस मिल रहा था खेलने के बाद। एंड जब मोबाइल गेमिंग इतनी पॉपुलर हो गई थी तो मार्केट में ना ऑप्शंस भी बहुत बढ़ गए गेमर्स के लिए, बिकॉज बहुत से नए तरह के मोबाइल गेम्स लॉन्च हो रहे थे एंड मिनी मिलिशिया उनसे कम्पीट नहीं कर पाया, बल्कि आउटडेटेड फील होता था। फिर थोड़ी गलती उनकी साइड से भी थी कि वो नया कंटेंट या फिर अपडेट्स नहीं ला पाए बहुत जल्दी जल्दी, जैसे सबवे सर्वर्स आज भी कुछ ना कुछ नया लाता ही रहता है। मिनी मिलिशिया में कुछ खास कंटेंट नहीं आया एंड इसलिए प्लेयर्स पे भी रीजन नहीं था इसे खेलने का। उसके अलावा लॉकडाउन भी एक रीजन था, क्योंकि मेरे हिसाब से मिनी मिलिशिया का असली मजा तो तभी आता जब आप ग्रुप में एक साथ बैठ के खेलते हो, बट लॉकडाउन के टाइम वो पॉसिबल ही नहीं हो पा रहा था। अब ऐसे में मिनी क्लिप का इंटरेस्ट डूडल आर्मी
आर्मी सीरीज में कम हो गया था, क्योंकि एप्सोमनियक्स वाले कह रहे थे कि डूडल आर्मी 3 बनाते हैं, बट मिनीक्लिप ने कहा कि नहीं नहीं मिनी मिलिशिया को अपडेट करते रहेंगे, इसे कंटिन्यू करेंगे। इसलिए 2020 के एंड में एप्सोमनियक्स ने रीनेगोशिएट किया मिनीक्लिप के साथ एंड डूडल आर्मी सीरीज के राइट्स वापस ले लिए। तो ऐसे में डूडल आर्मी के और गेम्स बना सकते हैं वो, बट उनपे मिनी मिलिशिया का वर्जन 4.0.36 ही आया, क्योंकि वर्जन 5 का ओनर अभी भी मिनीक्लिप है एंड वही मिनी मिलिशिया गेम के अपडेट्स वगैरह सब मैनेज करता है और उसे तब तक चलाता रहेगा जब तक लोग खेलेंगे। एप्सोमनियक्स का उसमें कोई रोल नहीं है, बस उनपे पैसा जाता है जितना गेम खेला जाता है। बट हाँ, मिनीक्लिप नए डूडल आर्मी की गेम्स नहीं बना सकता एंड एप्सोमनियक्स मिनीक्लिप के बनाए हुए कोई भी एसेट्स यूज नहीं कर सकते। तो उसके बाद नवंबर 2020 में एप्सोमनियक्स ने डिसाइड किया कि वो एक नया मिनी मिलिशिया गेम बनाएंगे, मतलब बहुत ज्यादा नया नहीं होगा, बट हाँ वो वर्जन 5 से पहले वाले बिल्ड वर्जन 4.0.36 को अपडेट एंड एक्सपेंड करेंगे, क्योंकि वो बिल्ड बहुत पुराना है, आई मीन 2018 का टाइम का। तो इसलिए वो अब गेम के साथ डिफरेंट अप्रोच ले रहे हैं एंड री रिलीज करेंगे, जिसका नाम होगा मिनी मिलिशिया क्लासिक डूडल आर्मी 2। उसकी बात तो मैं करता हूँ, बट बता दो कि वो डूडल आर्मी बूट कैंप को भी रिमास्टर करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट गेम था, एंड साथ ही उनका प्लान डूडल आर्मी सीरीज को और बड़ा करने का है, जैसे डूडल आर्मी 3 भी बनाना। तो उनका मन है मिनी मिलिशिया क्लासिक को थोड़ा पहले जैसा बनाना, जब उसमें ऑफलाइन कंपैटिबिलिटी थी, वो ई-स्पोर्ट्स कम्युनिटी के लिए फ्रेंडली था, इवन कैप्चर द फ्लैग, कस्टम सर्वर्स, ऑफलाइन वाईफाई जैसे फीचर्स भी वापस आ रहे हैं। इवन डेवलपर्स क्लेम कर रहे हैं कि ये मिनी क्लिप वाले वर्जन से बहुत डिफरेंट होगा, आप स्क्रीन पे देख ही सकते हो, एंड इस पे उनका ज्यादा कंट्रोल होगा, जो कि अच्छी बात है क्योंकि उन्होंने ये गेम सबसे पहले बनाया, तो वही बेस्ट जानते हैं कि कम्युनिटी को क्या चाहिए, एंड मिनी क्लिप उनको ज्यादा कंट्रोल नहीं देती थी। बट हाँ, ये अभी भी सिर्फ 2 लोगों की टीम है एंड अकेले ही गेम बना रहे हैं, इसलिए वो बता नहीं सकते कि एग्जैक्टली किस दिन रिलीज हो जाएगा। बट हाँ, वो गेम के अल्फा बिल्ड्स पब्लिकली पोस्ट कर रहे हैं एंड अगर आप अल्फा टेस्टिंग करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप जाके कर सकते हो। लेटेस्ट बिल्ड तो 17 फरवरी को ही आया था। अब ये बात वो भी जानते हैं कि 2 लोग भले ही कितना ही मेहनत कर लें, बट इतना बड़ा गेम नहीं बना सकते, इसलिए वो टूल्स डेवलप कर रहे हैं कि प्लेयर्स अपना कंटेंट खुद बनाएं एंड उसे एंजॉय करें। मतलब आप अपना मैप खुद बना पाओगे, स्पॉन पॉइंट सेट कर पाओगे, वेपन्स लोड आउट सेट कर पाओगे, ताकि गेम्स हाईली कस्टमाइजेबल हो एंड बहुत ही यूनिक कंटेंट निकल के आए। कैप्चर द फ्लैग एंड डेथ मैच के अलावा वो पेलोड, मिनी रॉयल एंड कुछ नए मोड्स भी डालना चाहते हैं। सो अब मिनी मलेशिया का फ्यूचर इसी पे डिपेंड करता है कि वो कब गेम लॉन्च कर पाएंगे एंड वो कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि अगर ये नया गेम परफॉर्म नहीं किया तो शायद इस सीरीज का एंड ही है। एंड क्योंकि मिनी मलेशिया इंडिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर था, तो उन्हें इंडियन थीम पे बहुत सारा कंटेंट डालना चाहिए उसमें। खैर, इसका फ्यूचर कैसा भी हो, सच्चाई यही है कि अभी भी गेम का एक डेडिकेटेड फैन बेस है, जो कि गेम खेलता है रेगुलरली एंड आज भी लोग इसे खेलना पसंद कर रहे हैं, क्योंकि साइज कम है, कंट्रोल इजी है और लो एंड फोन में ऑफलाइन चल जाता है। एंड इन्होंने ही रास्ता भी दिखाया था कई सक्सेसफुल मल्टीप्लेयर गेम्स को, कि ऐसे गेम्स भी चलते हैं जिन्हें आप मोबाइल पे ऑनलाइन खेलोगे दोस्तों के साथ, क्योंकि जिस टाइम ये आया था ना, उस टाइम ज्यादा मल्टीप्लेयर गेम्स नहीं थे मार्केट में, सबवे सर्फर्स, डॉक्टर ड्राइविंग जैसे सिंगल प्लेयर गेम्स खेले जाते थे, इसलिए इसे रेवोल्यूशनरी माना जाता है मल्टीप्लेयर शूटिंग को मोबाइल पे लाने के लिए, और इसका इंपैक्ट आज क्या आगे भी याद रखा जाएगा। ऐसा ही एक इंपैक्टफुल गेम है टेंपल रन, जिसने एंडलेस रनर्स का सब जॉनर ही बना दिया था। उसकी कहानी जानने के लिए लेफ्ट वीडियो देखो एंड GTA 5 की 20 सीक्रेट्स जानने के लिए राइट वीडियो देखो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।